अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरी 21 को आ रही है बर्थडे और मैं आज आपको अपने बर्थडे के ड्रेस दिखाने वाली हूँ। तो गाइस, बढ़ते हैं अपने ड्रेस के जाने। तो गाइस, ये देखें, ये हमने घर में ही सिया है। और गाइस, पहले इसके नेकलाइन की बात करते हैं। तो नेकलाइन राउंड शेप में है, सिंपल है। और इसके बाद जो ये बॉर्डर है, ये एक फ्रॉक स्टिच की थी तो उसमें से ये बचा था, तो हमने इसको संभाल के रख लिया था। एक इस तरह ये हम सादा कपड़ा लाए थे, फिर उसके ऊपर हमने जो ये है इसको बॉडी के शेप में इसको ये हमने अटैच कर दिया। और इसके बाद फिर आते हैं हम अपने स्लीव्स के जानेब। तो गाइस, ये देखें, ये भी उसमें से ही बचा हुआ था तो हमने स्लीव्स के में भी हमने उसको अटैच कर दिया। और उसके साथ जो ये एक अलहदा से जो है ये लैस लेकर हमने ये भी साथ इसके अटैच कर दी। इसी तरह से ही हमने ये दूसरा स्लीव्स भी तैयार किया। पहले वो लगाया जो बचा हुआ पीस था वो, उसके बाद ये लैस लगा दी। इसके बाद चलते हैं इसके घेर की जानेब। तो गाइस, ये देखें, इसके घेर पे भी हमने वही जो है ये सारा जो पीस बचा हुआ था वो सारा हमने लगा दिया। और गाइस, ये जो फ्लावर्स हैं ये भी उस फ्रॉक में थे तो हमने इसको भी कट करके संभाल लिया था, तो जो है वो फ्रॉक के साथ जो है वो ऊपर से लगा दिया। तो इस तरह से जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल जो है ये फ्रॉक तैयार हो गई। इसी तरह से बैक पे भी हमने जो है वो ये स्लीव्स इसी तरह से किए। तो गाइस, अब जो है इसका ट्राउजर वो भी इसी तरह से हमने इसके जो ये बचा हुआ था थोड़ा थोड़ा सा पीस इसके पंचों पर भी ये हमने लगा दिया। और बाकी जो है वो सिंपल ही ट्राउजर है वो ये है। और जो है इसके साथ का दुपट्टा वो ये ब्लू नेट का दुपट्टा है, ये ब्लू नेट का दुपट्टा है। इस तरह से मेरा जो है वो घर में ही बहुत ही ब्यूटीफुल एक बर्थडे का ड्रेस तैयार हो गया। तो गाइस, अभी आप इसकी ऑल ओवर लुक देखें और बताएं कि मेरा बर्थडे ड्रेस कैसा है। मुझे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो अपना बर्थडे ड्रेस। तो आप भी इसकी ऑल ओवर लुक देखें और मुझे ज़रूर बताएंगा। तो गाइस, ये है मेरा दूसरा ड्रेस जो कि हमने लिया है रेडीमेड। तो गाइस, ये हमने रेडीमेड लिया था। ये फ्रॉक है, ये भी फ्रॉक है। इसका नेकलाइन राउंड शेप में है और देख सकते हैं आप ये इस पर कितना काम हुआ हुआ है। बीड्स लगे हुए हैं और फ्लावर्स बने हुए हैं प्यारे प्यारे, तो ये इस पर बहुत काम हुआ हुआ है। और इस तरह से ये सी ग्रीन कलर का है, यहाँ पे इन्होंने ये फ्लावर लगाया हुआ है बहुत ही ब्यूटीफुल। और फिर ये साथ इसके ऐसे ये टसल आ गए। और जिस तरह से ये बॉडी पर सारा काम हुआ हुआ है इसी तरह से इसके जो है ये घेर पर भी काम हुआ हुआ है। ये कोना वाली फ्रॉक है तो इसीलिए ये ऐसे लग रही है। और ये कोनों वाली शॉर्ट फ्रॉक है तो ये देखें इस तरह से ही। और ये एंड पे ये लेस भी लगाई हुई है। और इसके साथ जो है बहुत ही ब्यूटीफुल शरारा है, ये देखें, ये जिस तरह से इन्होंने बॉडी पे काम किया हुआ था उस तरह से ये जो छोटी सी ये जो है ये शरारे पर भी लगाई हुई है, ये देखें। इसके साथ ये बहुत ही ब्यूटीफुल शरारा है। और जो इसके साथ का मेरे पास दुपट्टा है वो है, मैं आपको दिखाती हूँ, वो है ये। इसके साथ का मैंने ये दुपट्टा मैच किया था, ये देखें। इसके साथ इसके ऊपर भी ये कितनी प्यारी लैस लगी हुई है। ये ऐसे मिल गया, लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, थोड़ी सी मेहनत करे तो बंदा चीज मिल सकती है मार्केट से हमें। तो ये देखें इसके साथ का ये हमारा दुपट्टा। तो ये मेरा हो गया दो ड्रेस। तो गाइस, अब मेरे तो दो ड्रेस हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा पहनूं, तो इसलिए मैंने कहा मैं अपने गाइस को दिखा भी देती हूँ और मुझे मशवरा भी मिल जाएगा कि मैं कौन सा पहनूं। वैसे तो मेरा ख्याल है कि गर्मी बहुत है तो मैं जो है वो घर में जो बना हुआ है ब्यूटीफुल थोड़ा सिंपल भी वो वाला पहनूँ। तो कोई मुझे कह रहा है ये वाला पहनो, तो मुझे पता नहीं लग रहा मैं कौन सा पहनूँ। तो आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगा कि मैं कौन सा पहनूँ। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेंगा और मुझे ज़रूर सपोर्ट किया करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।